नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले भारत का बहुप्रतीक्षित त्यौहार दुर्गा पूजा 2021 आखिरकार आ गया है और लोग न केवल उत्सव का आनंद ले रहे हैं बल्कि साल की शुरुआत में देखे गए कोविड-19 के कठिन समय के बाद पूजा और अनुष्ठान करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये त्यौहार माता दुर्गा को समर्पित है जिन्हें शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दुर्गा का संस्कृत अर्थ मोटे तौर पर दुर्गम में अनुवाद करता है और दुर्गा अष्टमी की तरह दुर्गा नवमी भी एक विशेष दिन है जो त्यौहार में अत्यंत महत्व रखता है और आज नवमी की धूम देश भर में देखी जा रही है। इसे महानवमी भी कहा जाता है। ये दिन नवरात्र उत्सव का भी एक हिस्सा है। महानवमी नवरात्रि का नौवां दिन और दुर्गोत्सव का तीसरा दिन है। इस साल महानवमी 14 अक्टूबर यानी कि आज है और गुरुवार को मनाई जा रही है। पौराणिक कथा के अनुसार माता दुर्गा को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं ने अपनी सामूहिक ऊर्जा से बनाया था। माता दुर्गा को महिषासुर राक्षस का वध करने के लिए बनाया गया था क्योंकि वो आतंक पैदा कर रहा था और कोई भी उसे दूर करने में सक्षम नहीं था। दुर्गा को 8 या 10 भुजाओं वाली शेर की सवारी करते हुए दिखाया गया है। भैंस, राक्षस, महिषासुर के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए सभी देवताओं द्वारा उन्हें विशेष हथियार दिए गए थे। वो अपनी प्रत्येक भुजा में इन हथियारों को धारण किए हुए हैं। वो शक्ति का शुद्धतम रूप है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनकी शक्तियां असीम है। दुर्गा नवमी माता दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच युद्ध का अंतिम दिन है। महानवमी के दिन माता दुर्गा की महिषा सुरमर्दिनी के रूप में पूजी जाती हैं क्योंकि उन्होंने इस दिन राक्षस महिषासुर का वध किया था। दुर्गा नवमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है और देश भर में आज इसकी धूम देखने के लिए मिल रही है। तो आज नवमी का त्यौहार देश भर में मनाया जा रहा है। कल विजयदशमी है और आज माता दुर्गा को ये त्यौहार पूरी तरह से ये दिन समर्पित है। तो दुर्गा पंडालों में तमाम जगहों पर माता की प्रतिमाएं आपको भव्य रूप से आकर्षित करती हुई नजर आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आज वापसी का ऐलान कर सकते हैं और वो आज दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इससे पहले बुधवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि वो उन्हें दिए गए सम्मान के लिए हमेशा कांग्रेस आला कमान के आभारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि वो कभी भी समझौता नहीं कर सकते। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि जो लोग पंजाब के लिए उनके प्यार को समझते हैं वे कभी उन पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे। उन्होंने ट्विटर पर अपना वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने पंजाब से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि मुझे पंजाब से इश्क है और जो इसे समझते हैं वो कभी मुझ पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे। हर जगह मेरी प्रतिभा को नजरअंदाज किया गया। राजनीति में 5 को 50 बनाया जा सकता है और 50 को 0 में बदला जा सकता है। सिद्धू आज पार्टी के संगठन महासचिव सी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करेंगे और पार्टी की राज्य इकाई से जुड़े संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा भी होगी। हरीश रावत ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़े कुछ संगठनात्मक मामलों को लेकर 14 अक्टूबर को शाम 6 बजे मुझसे और वेणुगोपाल जी से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस महासचिव रावत के मुताबिक ये मुलाकात वेणुगोपाल के कार्यालय में होगी। गौरतलब है कि सिद्धू ने 28 सितंबर को कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में सिद्धू ने कहा था कि वो पार्टी की सेवा करना जारी रखेंगे। सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के सरकार के कुछ फैसलों से नाराज होकर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने 18 जुलाई को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया था। विवाद नहीं थमता देख 18 सितंबर को अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने 20 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि एक बार फिर से सिद्धू अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करवाया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वो डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और NCP अध्यक्ष शरद पवार समेत कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने मनमोहन सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।
एक सूत्र ने बताया है कि दो दिन पहले उन्हें बुखार आया था। बुधवार को चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स की देखरेख में उन्हें रखा गया है, चिंता की कोई बात नहीं है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चनी ने ट्वीट किया, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने और अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि मनमोहन सिंह जी के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, अस्पताल में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जानकारी मिली, मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, वो जल्द ठीक होकर घर आ जाएं। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पूर्ण और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दरअसल मनमोहन सिंह के भर्ती होने के बाद एम्स की ओर से बयान जारी किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि करीब 89 साल के कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह को बुखार के कारण दिल्ली के एम्स में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। एम्स में भर्ती होने के बाद कई बीजेपी नेताओं ने भी उनके स्वस्थ होने की कामना की है। पिछले 7 दिनों से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान पर आरोपों का सिकंजा कसता जा रहा है। क्रूज ड्रग्स केस में जेल में बंद आर्यन खान की जमानत पर आज फिर फैसला हो सकता है। बुधवार को उनकी जमानत पर लंबी बहस हुई। कोर्ट में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमोचा के वकीलों ने पूरा जोर लगाया कि उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन समय ज्यादा हो जाने की वजह से आज के लिए सुनवाई टाल दी गई थी। अब आज 12 बजे इस मामले पर फिर से सुनवाई शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि आज फैसला आ सकता है। कल की सुनवाई के दौरान एनसीबी का पक्ष रख रहे एसजी जनरल अनिल सिंह ने दावा किया कि आर्यन खान बहुत समय से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। एएसजी ने कहा है कि आर्यन खान ने कबूल किया है कि वो बहुत समय से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। एनसीबी का आरोप है कि आर्यन खान न सिर्फ अरबाज मोचन से ड्रग हासिल करता था बल्कि उसे बांटता भी था। इसी वजह से आर्यन और अरबाज दोनों पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 यानी कि साजिश को जोड़ा गया है। एनसीबी का आरोप है कि आर्यन की व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि वो विदेश से बड़ी मात्रा में कॉन्ट्राबैंड नाम की ड्रग्स मंगवाने वाला था। एनसीबी के आरोपों का जवाब देने के लिए आर्यन खान की तरफ से इस बार सतीश मानशिंदे की बजाय अमित देसाई ने जगह ली। अमित देसाई ने आर्यन पर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया। अमित देसाई का तर्क है कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है। आर्यन ना तो ड्रग्स का इस्तेमाल किया ना ही से बेचा। जो ड्रग्स बरामद किया गया उसका आर्यन से कोई संबंध ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्यन पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स ट्रैफिकिंग के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। लेकिन आज 12 बजे एक बार फिर से सुनवाई शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि आज आर्यन खान को राहत मिल सकती है, लेकिन राह में मुश्किलें बहुत हैं क्योंकि एनसीबी ने बहुत सारे बड़े दावे किए हैं। बड़े खुलासे की बात एनसीबी यहां करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आर्यन खान के वकील लगातार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, बेबुनियाद बेवजह बता रहे हैं। तो आर्यन खान की जमानत पर आज फैसला मुमकिन लगता है। 12 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी। कल काफी देर तक बहस चली लेकिन समय ज्यादा हो गया था, इसकी वजह से फैसला नहीं आ पाया। शारजाह में खेले गए आईपीएल 2021 के दूसरे क्वालिफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 135 रन बनाए थे। इसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अंतिम ओवर में जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही कोलकाता की टीम फाइनल में पहुंच गई है। अब 15 नवंबर को कोलकाता चेन्नई के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। केकेआर के इस जीत के हीरो रहे वेंकटेश अय्यर। अय्यर ने 41 गेंदों में 55 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के निकले। हालांकि राहुल त्रिपाठी ने छक्का लगाकर अहम मौके पर अपनी टीम को जीत दिलाई है। दिल्ली से मिले 136 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता को शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने शानदार शुरुआत दिलाई थी, लेकिन 16 ओवर के बाद केकेआर के हाथों से मैच फिसलने लगा था। एक वक्त केकेआर को 18 गेंदों में 11 रन बनाने थे और उसके 7 विकेट शेष थे, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए केकेआर से मैच लगभग छीन ही लिया था। आखिरी 3 गेंदों में केकेआर को जीत के लिए 6 रन बनाने थे और उसके 7 विकेट गिर गए थे। ऐसे में राहुल त्रिपाठी ने अश्विन की गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को फाइनल में आखिरकार पहुंचा दिया। कोलकाता के लिए वेंकटेश अय्यर ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए, वहीं शुभमन गिल ने 46 गेंदों में 46 रन बनाए। इसके अलावा नीतीश राणा 13 और विजय छक्का लगाने वाले राहुल त्रिपाठी ने नाबाद 12 रन बनाए हैं। वहीं नीतीश राणा, इयोन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक और सुनील नारेन खाता भी
नहीं खोल सके। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण देश भर में जारी है। बुधवार शाम तक के 7 बजे के आंकड़ों की बात की जाए तो 32 लाख वैक्सीन की खुराक लोगों को दे दी गई। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि कुछ ही दिनों में कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा ऐतिहासिक 100 करोड़ को पार कर लेगा। भारत टीके की आपूर्ति को मजबूत कर रहा है और अक्टूबर में 28 करोड़ से ज्यादा खुराकों का उत्पादन होगा। मंडाविया आगे कहते हैं कि पात्र आबादी में से करीब 73% को कोविड रोधी टीके की कम से कम एक खुराक लगाई जा चुकी है, जबकि तकरीबन 29% जनसंख्या को दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। वो आगे कहते हैं कि राज्यों के पास अब टीके की 8 करोड़ से ज्यादा खुराकें हैं। मंत्री कहते हैं कि इस महीने 28 करोड़ खुराकें उपलब्ध होंगी, जबकि सितंबर में 22 करोड़ खुराकें मुहैया कराई गई थी। उन्होंने कहा कि 28 करोड़ में से करीब 22 करोड़ खुराकें कोविडशील्ड टीके की होंगी और कोवैक्सीन टीके की 6 करोड़ खुराकें मुहैया होंगी। उन्होंने बताया कि लगभग 60 लाख DNA टीकों का उत्पादन किया जाएगा। मंडाविया आगे कहते हैं कि अब तक करीब 97 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी हैं और अगले सप्ताह संभवतः 19 या 20 अक्टूबर तक देश में टीके की खुराकें लगने की संख्या 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ा टीकाकरण अभियान जो है वो भारत में देखा जा सकता है और बहुत ही बड़ी उपलब्धि भारत के लिए मानी जा सकती है कोविड पर। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टीनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी CJM कोर्ट से खारिज कर दी गई है। आशीष के वकील अवधेश सिंह ने कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी। वहीं अन्य आरोपी शेखर भारती को 3 दिन पुलिस कस्टडी में भेजे जाने की संभावना है। तो वहीं बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर हिंसक झड़प में 4 किसान, 1 स्थानीय पत्रकार और BJP कार्यकर्ताओं सहित 8 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है। आरोप है कि जिस जीप से किसानों को कुचला गया था वो आशीष मिश्रा ही चला रहा था। अभी कल ही आपको बता दें कि उनके करीबी और दोस्त ने वहां सरेंडर किया है, जिसके बाद से उन्हें 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो CJM कोर्ट से जमानत याचिका पूरी तरह से खारिज हो गई है। इस पूरे मामले में राजनीति भी बखूबी हो रही है। कल कांग्रेस का डेलीगेशन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इंसाफ नहीं माना जा सकता। इटावा में किसान सेवा केंद्र में किसानों की खाद की खरीद पर शिकायतें मिलने के बाद इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने मंडी स्थित किसान सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया और किसानों से बातचीत की है। इस दौरान अधिकारियों के सामने सांसद ने फोन से समितियों में खाद वितरण की स्थिति जानी, साथ ही कमियों को दूर करने का किसानों को आश्वासन भी दिया है। तो इटावा में किसान सेवा केंद्र का निरीक्षण यहां पर सांसद करने पहुंचे रामशंकर कठेरिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर किसानों को खाद समय पर नहीं मिला तो उचित कार्रवाई की जाएगी। दरअसल लगातार शिकायतें मिल रही थी किसानों द्वारा कि खाद की खरीदी नहीं हुई है, जिसके बाद इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने मंडी स्थित किसान सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण कर लिया। इसके बाद उन्होंने किसानों से बातचीत भी की है। इस दौरान अधिकारियों के सामने सांसद ने फोन से समितियों में खाद वितरण की स्थिति जानी है, साथ ही कमियों को दूर करने का किसानों का आश्वासन भी दे दिया है, अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए, किसानों ने मेरे को कुछ ने कहा था कि मुझे प्रॉपर और समय पर और जितनी मिलनी चाहिए उतनी खाद हमें नहीं मिल रही है, आलू का सीजन है। तो मैं अचानक जो यहाँ पर मंडी का ये बहुत बड़ा यहाँ केंद्र है जहाँ पर खाद किसानों को दी जाती है, वहाँ पर मैं अचानक आया हूँ। यहाँ पर कृषि अधिकारी भी हैं, खाद के अधिकारी भी हैं, तहसीलदार भी है। तो यहाँ पर जो किसान हैं वो उनकी कुछ समस्याएं जेन्युइन थी, उनका निपटारा किया है। कुछ ज़िले के केंद्रों पर खाद नहीं उपलब्ध थी, उनको फ़ोन लगा करके भी बातचीत की तो वहाँ पर भी पता लगा कि वहाँ पर खाद नहीं है। तो ये मैंने कहा है सब अधिकारियों से कि हर केंद्र पर तुरंत खाद पहुँचे। कानपुर में BJP विधायक सुरेंद्र मैथानी के बयान पर सपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए BJP विधायक का पुतला दहन करने की कोशिश की, जिससे इस दौरान पुलिस और सपा समर्थकों के बीच आपसी झड़प भी हुई। बता दें कि BJP विधायक ने हाल ही में बयान दिया था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें सपा का गुंडा। वहीं विधायक के इस बयान के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने काफी आक्रोश जताया है।
तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर की। आपको बता दें कि विजय यात्रा की शुरुआत यहीं से अखिलेश यादव ने की है। तो कानपुर में बीजेपी विधायक सुरेंद्र मिथानी ने उस यात्रा पर बयान दे दिया और सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश जताया है, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी विधायक का पुतला दहन करने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस और सपा समर्थकों के बीच आपसी झड़प भी देखने के लिए मिली है। बता दें कि बीजेपी विधायक ने हाल ही में बयान दिया था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा है तो मान लो उसमें सपा का गुंडा है। वहीं विधायक के इस बयान के बाद सपा कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है, जिसको लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कल उन्होंने बयान दिया था अपने मीडिया के माध्यम से, जिस गाड़ी में सपा झंडा लगा रहता उसमें गुंडे बैठते हैं। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के अखिलेश यादव भी कानपुर राज्य विजय करते थे, यहाँ से रथ की शुरुआत की उन्होंने। कल आप लोगों ने स्वयं देखा होगा कि कितनी भीड़ थी, कितना हजूमदार, मतलब दसियों हज़ार आदमी कल उनके रथ की यात्रा में था। इस भीड़ देख तो लोकल के बीजेपी नेता माननीय विधायक ही घबरा गए हैं। उनको लग रहा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जनता करीब पहुँच रहे हैं और जनता उनको बेहद प्यार दे रही है। कार्यकर्ताओं का जोश उनके साथ सरकार उन्हें दौर बैठने जा रही है। ये देख के मैथानी जैसे विधायक और अन्य नेता बीजेपी के बौखला रहे हैं, पागल हो गए हैं। उनको ध्यान रहा है इस प्रदेश में सरकार चल रही, बीजेपी जो जाने वाली है और समाजवादी पार्टी सरकार आने वाली है, जिससे नौजवान, किसान, महिलाएँ, उनकी क्या चेहरे खुशहाली आएगी, पूरे प्रदेश में चतुर्मुखी विकास करेंगे आगे पुनः। बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 10 सालों से गरीब लड़कियों और लड़कों की शादी करवाने का संकल्प लिया गया। वहीं इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 91 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारतीय किसान यूनियन ने विवाह समारोह कराया, इसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौके पर पहुंचे। 91 जोड़ों का यहाँ पर सामूहिक विवाह कराया गया है। आयोजक करने वाले लोग हैं और भारतीय किसान यूनियन इस आंदोलन को इसको कर रही है, जो सामाजिक एक किस्म से ये सामाजिक आंदोलन है, ये भी एक सामाजिक आंदोलन है, इसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और इसमें जो एक टीम है, टीम वर्क है पूरा, इसमें प्रशासन का भी सहयोग है, इसमें मंडी का भी सहयोग है, इसमें पुलिस का भी सहयोग है, यहाँ के पत्रकारों का भी सहयोग है, यहाँ के दुकानदार जो व्यापारी है उनका भी बड़ा सहयोग इसमें है, और ये सब मिलजुल के एक टीमवर्क के माध्यम से ये प्रोग्राम करते हैं। मेरठ में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला का शव रोड पर पड़ा मिला। वहीं शव देखकर आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मेरठ का ये पूरा मामला, जहां पर रोड पर महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हाथरस के सादाबाद में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी एक विशाल जनसभा में शामिल हुए। वहीं मंच को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार को अपराध और भ्रष्टाचार में नंबर वन बताया, साथ ही किसानों की हत्या पर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। तो हाथरस में जयंत चौधरी पहुंचे और बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, किसानों की हत्या बीजेपी सरकार ने की है और ना ही इस पर कोई कार्रवाई कर रही है। क्या ये आशीर्वाद पद के कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे प्रदेश में जी, और जो लोग चौधरी साहब का जो लोग साथ देते थे, मैं उनके बीच जा रहा हूँ सर, समाज का आशीर्वाद लेने। जैन जी एक सवाल है, लखीमपुर खीरी में जो है 8 लोग की डेथ हुई है, आपने मन से केवल 5 लोगों का कहा, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है क्या वो इंसान नहीं है क्या? भैया आपको पता है कि कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे क्राइम में? नहीं, हमें ये भी नहीं पता। नहीं तो आपने कैसे तय कर लिया? ये तो कानून का मसला है ना। आपको ये भी पता है गाड़ी कौन चला रहा था कौन नहीं चला रहा था? आप जिसके नाम में यहाँ ले लूँ और बाद में पता चले वो गाड़ी चला के रौंद रहा था, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। अच्छा, आपके मंच से जो रागिनी का प्रोग्राम चल रहा उसमें सहानुभूति तो आपको उनके प्रति भी तो होनी चाहिए ना? मेरी सहानुभूति हर एक के प्रति है, लेकिन अगर वो दूसरी तरफ होंगे, अगर किसान के हत्या में उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर किसान के हत्या में किसी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनके प्रति। बागपत के बड़ौत में उस समय हंगामे भरी स्थिति पैदा हो गई जब एक दुकान के कर्मचारियों ने वहां से गुजर रहे एक युवक की जमकर पिटाई कर दी।
वहीं मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये घटना दोपहर के समय की बताई जा रही है, जब एक जूते की दुकान पर काम करने वाले दो कर्मचारियों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं इस मामले में अब वायरल वीडियो को आधार पर मामले की छानबीन की जा रही है। तो बागपत की तस्वीरें आप देख सकते हैं, दुकान के कर्मचारियों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी है लाठी डंडों से। आसपास के लोग मौके पर तमाशबीन बने रहे, किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये दुकान के कर्मचारी इस युवक की पिटाई क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है। फिलहाल वीडियो वायरल हुआ है, इसके आधार पर छानबीन की जा रही है। मथुरा के थाना कोसीकला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों से बाइक तमंचा समेत कई हथियार भी बरामद किए हैं। तो मथुरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस के सिकंजे में आए 8 चोर आपको बता दें कि लगातार सक्रिय थे और कई मामलों में संलिप्त थे। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी, आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़े। कि ये जनपद मथुरा के थाना कोसी क्षेत्र में सूचनाएं मिल रही थी कि एक अंतरराज्यीय गैंग है जो यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, एनसीआर क्षेत्र से चार पहिया गाड़ियाँ चुराता है और यहाँ पर शोओं के माध्यम से उसको कटवाया जाता है, उसके जो पार्ट्स हैं वो ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे हैं। इसी सूचना पर कोसी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें एक अंतरराज्यीय गैंग के 8 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है और इनके पास से 5 चार पहिया गाड़ियां जो कि चोरी की थी और कटवाने के लिए लाई गई थी वो बरामद हुई हैं, 2 अधिकृत गाड़ियां बरामद हुई हैं और इसके साथ साथ 21 गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं, रेडिएटर या जो अन्य पार्ट्स हैं वो बरामद हुए हैं। इस गैंग का जो सरगना है वो उसका नाम मनीष है, जिसका कि बहुत लंबा आपराधिक इतिहास है। इसके ऊपर दिल्ली से कुल 41 मुकदमे दर्ज हैं और इसके साथ 7 मेंबर्स और अरेस्ट हुए हैं। इनके यहाँ पर जो सामान इस्तेमाल होता है गाड़ियों को काटने में वो भी बरामद हुआ है। ऐसे और भी गिरोह के बारे में कुछ सूचना इनसे प्राप्त हुई, इसके आगे चल के कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में नामी सोसाइटी जूस कंट्री में रहने वाले लोग फ्लैट खरीदते समय दी जाने वाली सुविधाएं ना मिलने से नाराज होकर सोसाइटी के बाहर धरने पर बैठ गए। सोसाइटी जूस कंट्री में रहने वाले लोगों ने बिल्डर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जूस कंट्री रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले धरने पर बैठे लोगों ने मांगे पूरी न होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। एसएससी एसोसिएशन के जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जूस कंट्री उत्तराखंड का सबसे बड़ा घोटाला है और आज उन लोगों ने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा है, जिस पर नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा गया। वहीं नायब तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी ने बताया है कि उन्होंने पक्ष विपक्ष दोनों को बिठाकर मामला समझने की कोशिश की है और जल्द वो जिलाधिकारी को पूरी स्थिति से अवगत भी करा सकते हैं। ग्यारह से लेकर आज तक 2021 हो गया, किसी भी प्रकार का इस सोसाइटी को सर्टिफिकेशन HRDA से नहीं हुआ है, न तो इनको कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, न इनके पास किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर का रिपोर्ट है कि हाँ जो मटेरियल लगा है वो किस तरह का लगा है, क्या लगा है, वो प्रूवन है। ठीक है, इन्होंने लिख रखा कि हमने भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाई है जोन फोर के हिसाब से, तो न तो उसका कोई सर्टिफिकेट है किसी इंजीनियर का, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा कोई एजेंसी है ही नहीं जो ये सर्टिफाई कर दे कि ये बिल्डिंग जो है भूकंप रोधी बिल्डिंग है। तो एक तो फॉल्स सारे स्टेटमेंट इनके, किसी प्रकार का इनका कोई लीगल सर्टिफिकेशन नहीं है सोसाइटी का। नैनीताल में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए जहां सामाजिक संगठनों ने बीड़ा उठाया था, वहीं पुलिस प्रशासन भी इसके लिए स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को नशा मुक्त करने का मंत्र सिखा रहा है। आपको बता दें कि तलीताल के थाना प्रभारी रोहिताश सागर ने पुलिस कर्मियों के साथ जाकर नशे से दूर रहने के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित किया। वहीं आम जनमानस से भी अपील की है कि नशे की बुराइयों से दूर रहें। इस दौरान उन्होंने पर्चा भी बांटा और कहा कि कोई भी परेशानी हो तो पुलिस से सीधा संपर्क करें। देखिए, उच्चाधिकारी द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चला रखा है, उसी के क्रम में हम लोगों ने आज स्कूल में जा करके बच्चों को जागरूक किया है और हम आए दिन इस प्रकार के अभियान चला रहे हैं, जनता को भी जागरूक कर रहे हैं जिससे लोग नशे की गिरफ्त से बच सकें और यदि कहीं पर नशे से संबंधित कोई तस्करी की सूचना मिलती है तो उसके लिए हमने नंबर भी प्रोवाइड कराए हुए हैं और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।